मोहगांव थाना प्रांगण में थाना प्रभारी आदित्य सिंह धुर्वे के मौजूदगी में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रभारी ने सड़क मार्ग पर लगातार हो रहे दुर्घटना के चलते सभी को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, चोरी से लेकर आपराधिक वारदातों, नगर में सीसीटीवी कैमरे और क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना ना हो, इस बैठक को लेकर थाना प्रभारी द्वारा बातें शांति समिति की बैठक में सबके सामने करते नजर आए। शांति समिति के सदस्यों ने भी नगर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के साथ तेजी से चलने वाले वाहनों के लिए ब्रेकर लगाने की बात की, साथ साथ नगर में जगह जगह पर ट्रैफिक दूर करने की भी बात कही। बैठक में थाना प्रभारी द्वारा बैल बाजार की तस्करी को लेकर अध्यक्ष से बातचीत करते हुए व्यवस्था बनाने को कहा गया, तो वही नगर के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े ने आने वाली नए सत्र से बैल बाजार का ठेका ऑनलाइन खरीदी की पर्ची ऑनलाइन खरीदने की बात की। उसके साथ ही प्रति व्यक्ति बैल खरीदी की खेती की पावती और आधार नंबर की कॉपी भी लेने की बात की, ताकि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में या एक से दो से अधिक बैल जोड़ी नहीं कर सके, इससे गौ तस्करी पर अंकुश लगेगा, ऐसा बैठक में कहा गया। इस बैठक में नगर के थाना प्रभारी आदित्य सिंह धुर्वे के साथ कई अधिकारी, पदाधिकारी तथा नागरिक गण उपस्थित थे। आज थाना मोहगांव परिसर में थाना मोहगांव के सभी जो सम्मानित नागरिक गण है एवं महिलाएं हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग का उद्देश्य यह था कि ज़्यादातर लोग आवागमन में हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, वो हेलमेट का प्रयोग करें एवं उनकी समस्याओं को जानना भी हमारा उद्देश्य था कि उनकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, सक्रियता हमारे लोगों की कैसी है और लोगों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, और थानों की वर्किंग के संबंध में इनको जानकारी देना भी हमारा प्रयास था। और ज़्यादातर जो हाईकोर्ट के समय समय निर्देश आते हैं, ठीक है, इनका हमारा उद्देश्य था कि लोग जागरूकता जो जागरूक रहे, साइबर अपराध के प्रति जागरूक रहे। केसरी उजाला न्यूज के लिए सौसर से चेतन साहू की रिपोर्ट।